गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फायर एंड आइस। वी हैव ऑलरेडी डन इट। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, देर आर मैनी आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन सम डे? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के एंड होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। क्या आप कोई ऐसा बता सकते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा किसी दिन? Have you ever thought what would happen? कभी आपने सोचा है, ever कभी सोचा है कि वर्ल्ड का अगर यानी जो सन है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और ये फट ही जाए एक तरह से, और बहुत जो धरती है बहुत ठंडी हो जाए, या तो तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? इट इज़ श्योर दैट वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड वन डे। ये तो पक्का है कि संसार कभी ना कभी ख़त्म होगा। देर आर मैनी थ्योरीज अबाउट इट। इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, कई जो विचार हैं इसके बारे में कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। जैसे कि पोइट ने भी कहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड आग में ख़त्म होएगा, यानी इतनी गर्मी हो जाएगी, इतने टेम्परेचर हो जाएगा या आग लग जाएगी और पूरा संसार ख़त्म हो जाएगा। अदर से इन आइस, कुछ कहते हैं आइस में ख़त्म होगा, यानी बर्फ़ ठंडा हो जाएगा, इतनी ठंड हो जाएगी, इतनी बर्फ़ पड़ जाएगी कि आइस के थ्रू भी पूरा संसार ख़त्म हो सकता है। यानी दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो आग के द्वारा या बर्फ़ के द्वारा, यानी ठंडा हो जाएगा पूरी पृथ्वी, और या आग लग जाएगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। बट वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ वन थ्योरी। लेकिन हम किसी एक थ्योरी के ऊपर बात नहीं कर सकते कि क्या आग से ही ख़त्म होगा या बर्फ़ में ख़त्म होगा, यानी या धरती गर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा तब ख़त्म होगी, या ठंडी हो जाएगी तब ख़त्म होगी। ये इसके बारे में पक्के तौर पे श्योर पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लाइफ ऑन इज दिस अर्थ इज़ ड्यू टू एप्ट टेम्परेचर। अगर लाइफ है इस धरती के ऊपर, अर्थ ये जो धरती है हमारी, इसके ऊपर अगर जीवन है तो एप्ट टेम्परेचर की वजह से है। यानी एप्ट मतलब जो बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है, सही टेम्परेचर की वजह से हम यहाँ पर जी पाते हैं। इफ़ इट एक्सीड्स लिमिट, अगर ये लिमिट्स से बढ़ जाता है, एक्सीड्स मतलब बढ़ जाना, अधिक बढ़ जाना, अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हम सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग ह्यूमंस विल नॉट बी पॉसिबल। अगर ये तापमान ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान बच ही नहीं सकता। और इफ़ इट गेट्स टू कोल्ड टू सर्वाइव, ये हो सकता है कि ये इतना ठंडा हो जाए कि सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाए। ह्यूमन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो इंसानों का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि क्या वर्ल्ड कभी ख़त्म होगा। तो पॉसिबली हो सकता है कभी ख़त्म वर्ल्ड, लेकिन अलग अलग थ्योरीज़ हैं। कोई कहता है कि बर्फ़ से ख़त्म होगा, ठंडा हो जाएगी पृथ्वी, कोई कहता है कि आग से ख़त्म होगा। लेकिन किसी एक थ्योरी को हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि लाइफ की जो लाइफ है इस अर्थ के ऊपर सही टेम्परेचर की वजह से है। अगर सही टेम्परेचर है तो सारा कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर वो बढ़ जाए तो सर्वाइवल यानी बच पाना, लाइफ सर्वाइव करना, जी पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ह्यूमंस के लिए। और कहते हैं कि अगर ज़्यादा भी ठंडा हो जाए तब भी सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी लिमिट में है तब तक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वो फ्रॉस्ट क्या मानता है कि फायर क्या है और आइस क्या है, क्योंकि ये सिंबॉलिकल पोइम है, एक प्रतीकात्मक पोइम है। यानी फायर और आइस को क्या समझ रहा है पोइट, किस वे से उसने ये चीज़ लिखी है। फायर इज़ सिंबल ऑफ ग्रीड, जो आग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, ग्रीड का, लालची होने का, कन्फ्लिक्ट आपस में वाद विवाद होने का, फ्यूरी का, लड़ाई का, क्रुएलिटी कठोरता का, लस्ट जो एक तरह से लस्ट है, इच्छाएँ हैं वो उसके बारे में। एंड अवेयरनेस, वेयर एज आइस स्टैंड फॉर इंसेंसिटिविटी। और आइस किस चीज़ के लिए, इंसेंसिटिविटी यानी हेट्रेट हो जाना, असंवेदनशील होना, संवेदना ही ना होना किसी के प्रति, कोल्डनेस बहुत हेट्रेट होना, इनटॉलरेंस किसी के प्रति जो कि किसी को सहन ना करना, इनटॉलरेंट होना, इनडिफरेंस किसी के तरफ ध्यान ना देना, रिजिडिटी हार्ड होना, और नफरत। तो बेसिकली फायर किस चीज़ का सिंबल है, डिज़ायर्स का,
यानी जो डिफरेंट डिज़ायर्स हैं उस चीज़ का सिंबल फायर है, जो जिसमें लालची होना, एक तरह से कठोर होना, बहुत ज़्यादा इच्छाएं होना और दूसरे के प्रति नफरत करना, जबकि आइस किस चीज़ के लिए, असंवेदनशील होना और असहिष्णु होना, यानी असहिष्णु मतलब किसी के प्रति सहन नहीं करना दूसरे के प्रति। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं। फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पॉइंट वेयर फायर इज सिंबल ऑफ डिज़ायर एंड आइस इज सिंबल ऑफ हेट्रेड। तो फायर एंड आइस एक सिंबॉलिकल पोइम है, प्रतीकात्मक पोइम है, जहाँ आग किसका प्रतीक है, इच्छाओं का। अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो फायर डिज़ायर, फायर इच्छाओं का प्रतीक है, यानी इच्छाएं आग की तरह हैं जो इस संसार को ख़त्म कर सकती हैं। एंड आइस इज सिंबल ऑफ हेट्रेड, और बर्फ़ किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ का प्रतीक है, नफरत का। पोइट सुजेस्ट द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, पोइट एक दिखाता है, बताता है हमें दो ग्रुप ऑफ पीपल क्या आइडिया रखते हैं अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के ख़त्म होने के बारे में वो क्या सोचते हैं। देर आर सेट ऑफ पीपल हु थिंक दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का समूह है, यानी उसने दो तरह के लोगों के बारे में बात की है। कहते एक लोगों का समूह तो ये कहता है कि पूरा वर्ल्ड आग से ख़त्म हो जाएगा, जल कर ख़त्म हो जाएगा, यानी धरती गर्म हो जाएगी, इतनी आग लगेगी कि सारा संसार तबाह हो जाएगा। अदर ग्रुप फील दैट ड्यू टू लो टेम्परेचर्स आइस विल एंड द वर्ल्ड, तो कहता है लो टेम्परेचर हो जाएगा, कुछ कहते हैं इतनी ठंड हो जाएगी, आइस ही आइस होएगी हर तरफ और सारा संसार उस ठंड के कारण ही मर जाएगा। हेयर पोइट यू पोइट यूजिस बोथ फायर एंड आइस आर शोन एज सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन, तो यहाँ पे उसने फायर आग को और बर्फ को दोनों को ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन बताया है। सबसे जरूरी वर्ड है, समझेंगे इस फ्रेज को, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग, जो अपने आप को ही ख़त्म कर दे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन। ये ह्यूमन इमोशन ऐसा है जो अपने आप ही ख़त्म करेगा, कैसे, फायर को तो वो कह रहे हैं डिज़ायर कि डिज़ायर इच्छाएँ अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने लिए सब कुछ लेने के लिए और दूसरे को तबाह करने की इच्छा, वो ख़त्म करने में सक्षम है इस संसार को। पोइट सेज दैट ही हैज़ बीन इन क्लोज एसोसिएशन विद डिज़ायर्स, कहता पोइट कहता है मैं इच्छाओं को बड़े गहराई से जानता हूँ, इच्छाओं के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, यानी मुझे इच्छाओं के बारे में पता है। एंड ही सेज दैट इट कैन डिस्ट्रॉय वर्ल्ड, वो कहता है कि इच्छाएँ हैं जो संसार को ख़त्म कर सकती हैं। देखो अगर एक ह्यूमन बींग अपने लिए कोई इच्छा करता है कि मुझे अच्छा खाना अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, इच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी और को दुख और कष्ट पहुंचाकर वो लिया जाए तो उससे क्या होगी, डिस्ट्रक्शन। एक देश इच्छा करता है कि मैं दूसरे देश पे कब्जा कर लूँ, तो वो भी है तो इच्छा है, लेकिन कैसी इच्छा है जिससे डिस्कंस्ट्रक्शन होएगी, डिस्ट्रॉय होएगा वर्ल्ड दूसरा। तो इच्छाएँ काफ़ी हैं इस संसार को ख़त्म करने के लिए। डिज़ायर विच इज सिम्बलाइज एज फायर कैन डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड, तो डिज़ायर है जो इच्छाएँ हैं जो फायर की तरह इनको दिखाया है पोइट ने, आग की तरह दिखाया है, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। पोइट सेज दैट फायर इज़ मोर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो पोइट का मानना है कि भाई मैं उन लोगों को का साथ देता हूँ, उन लोगों की बात मानता हूँ जो कहते हैं कि आग से संसार ख़त्म होगा, क्योंकि इच्छाएँ ही हैं जो इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। इच्छाएँ वो कौन सी कह रहा है कि अगर हम इच्छा करते हैं किसी दूसरे को तबाह और बर्बाद करने की, तो उससे वर्ल्ड अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। वट देन ही थिंक्स ऑफ आइस सिग्निफाइंग हेट्रेड, कहता है फिर वो बर्फ़ के बारे में सोचता है, बर्फ़ को किसका प्रतीक ले रहा है वो, हेट्रेड का, नफरत का। कहता है वो भी काफ़ी है, उसमें भी काफ़ी पावर है कि इस संसार को ख़त्म कर सकती है। इट हैड टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस इट वुड बी कैपेबल एज फायर डिज़ायर्स, कहते कि अगर बर्फ़ के अगर ठंडा हो के संसार ने ख़त्म होना हो, यानी नफरत से ख़त्म होना हो संसार ने, तो बर्फ़ काफ़ी है, यानी बर्फ़ जो कि नफरत रूपी बर्फ़ है, जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, वो काफ़ी है, ये संसार को दो बारी भी तबाह कर सकती है नफरत। पोइट हाईलाइट्स इफ वी डोंट कंट्रोल आवर इमोशंस वी डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ, अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो हम अपने वर्ल्ड को, अपने संसार को तबाह कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आई हो, इसमें जो प्राइमरी जो इन्होंने
जो सिंपल ईयर है फायर एंड आइस का, उसमें इन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की है कि फायर जो कि डिज़ायर्स रूपी फायर है वो इस संसार को ख़त्म कर सकती है, एंड कर सकती है, और जो आइस रूपी हेट्रेड है, नफ़रत है, वो इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है। हमने याद रखना है कि फायर किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रही है, फायर फॉर डिज़ायर इच्छाएं, और आइस हेट्रेड के लिए। तो पोइट सिंबोलिकली बता रहा है कि ये जो फायर एंड आइस ये कैसे वर्ल्ड को तबाह कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो मैंने जो पोइम की रेसिटेशन की है और इसकी जो इसको समझाया है वो आपको इसके लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से भी इसकी पोइम की जो एप्रिशिएशन है वो उसमें से देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।